दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जोस्टी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है निम्न में से बैगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से बताना है बैगन की कौन सी प्रजाति के फल गोल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है दोस्तों एन सी ऑप्शन यानी अर्का नवनीत, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फल होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो टमाटर है वह दोस्तों फसल में से अधिक और कम तापमान के कारण कम फल लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब इसका तापक्रम जब दोस्तों अधिक हो जाता है यानी कम होता है, ठीक है, तो उस समय कम फसल लगती है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा पंजाब छुआरा एक प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है टमाटर की। जो दोस्तों पंजाब छुआरा है वह दोस्तों छोटे छोटे मतलब टमाटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला था हमारा दोस्तों वैशाली वधु एक प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है भिंडी के। जी हाँ दोस्तों, जो वैशाली वधु है और भिंडी की एक प्रजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी किसकी कमी के से होती है, ठीक है। जो फूलगोभी में ब्राउनी बीमारी होती है वह किसकी कमी से होती है, तो वह दोस्तों बोरान की कमी से होती है, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता हमारा दोस्तों किस फसल में शंक्वाकार जड़े होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों गाजर। जी हाँ दोस्तों, जो गाजर होते हैं तो वह दोस्तों इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। वह शंकु के आकार के होते हैं, वह इनका जो मतलब गाजर होते हैं वह दोस्तों मतलब यह जड़ ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह शंकु आकार के होते हैं। हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा निम्न में से, ठीक है, किस फसल में प्रसरण के लिए विनियर रोपण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है आम में। जी हाँ दोस्तों, आम में दोस्तों रोपण की पिछली विधि दोस्तों विनियर रोपण ही है, ठीक है, यानी विनियर ग्राफ्टिंग है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है आदर्श भू परिष्करण, ठीक है। दशा में स्वच्छ रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है 1:1। इसके बाद हमारा अगला आता है चावल में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। तो दोस्तों वह होती है हमारे जिंक की कमी का कारण, ठीक है, यानी जिंक की कमी का कारण। इसके बाद हमारा अगला आता है सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है 16। और इसमें से दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से है, तो प्राथमिक पोषक तत्व में दोस्तों NPK आता है, ठीक है। और दोस्तों द्वितीय पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, द्वितीय पोषक तत्व में दोस्तों एक मैं बताते रहे आप सभी को, द्वितीय पोषक तत्व में दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम तथा सल्फर आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आता हमारा गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है। तो दोस्तों गेहूं की सिंचाई में यानी गेहूं की फसल में सबसे जो उचित क्रांतिक अवस्था होती है वह दोस्तों कौन सी अवस्था होती है, वह दोस्तों शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था में यानी CRI स्टेज यानी क्रॉप रूट इरीगेशन, ठीक है। इस प्रकार से सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी दोस्तों नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।